बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट। अब हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट एड्रेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्स्ट पढ़ी, अब उसी को दोबारा से हेडिंग वाइज रिवाइज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेसन का, आज के लेक्चर का? आंसर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर उसके बाद आपको असेस करने के लिए कि वो टेक्स्ट जो आपने पढ़ा है आपको कितना समझ में आया, उसके लिए लास्ट में उस चैप्टर के या उस यूनिट के या फिर उस पैराग्राफ के लास्ट में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको, जिसके लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं। आपने वो पैराग्राफ पढ़ना है और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उसी पैराग्राफ में ही मिलेंगे। लेकिन वो चेक क्या करता है, असेस, एग्ज़ामिनर असेस क्या करता है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी हो कि आपने उसको कितना कॉम्प्रिहेंड किया, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। तो हमने जो कल टेक्स्ट पढ़ा उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स जितने होते हैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। First of all, let's see the introduction. What was in the text? It was about the last address of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jisko khutbah Hujjatul Wida bhi kehte hain. Its most important declaration of human rights, one first and most important, yaad hoga humne padha tha, first and most important. Isse pehle human rights pe koi baat nahi hui. Ye pehla document hai, ये वो पहला समन है, पहला एड्रेस है जिसमें डिटेल से तमाम ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो, आपको समझ में भी आ जाएगा और उसके अंदर हर एक पॉइंट को डिटेल से एड्रेस किया गया है। इस वजह से इसको जो है वो मैनिफेस्टो का नाम दिया गया है। इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कि जितने मुस्लिम्स हैं उनको तमाम अपने हकूक और अपनी जिम्मेदारियां इसमें मिल जाती हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। नॉट ओनली राइट्स बट आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, के दोनों चीज़ों पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपके राइट्स हैं और आपने दूसरों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है ताकि दूसरों को भी उनके हकूक मिल सकें। दैट्स वाई पहला जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें राइट्स भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ओके, द डेट, इट वाज ऑन 9th सलहज ऑफ 10th आफ्टर हिजरा, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज किया था, तो उस वक्त जो है वो उन्होंने अरफात के मैदान में ये खुतबा दिया, वैली ऑफ माउंट अरफात मक्का। सो दिस इज स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड यू विल सी द हज रूट, जब हज पे जाते हैं तो फिर हज परफॉर्म करने के लिए कौन सा रूट होता है। बैतुल हराम से आपका हज स्टार्ट होता है, आप मिना जाते हैं, फिर मिना से अरफात जाते हैं, अरफात से वापसी पे मुज़दलफ़ा, मुज़दलफ़ा से वापस मिना और मिना से दोबारा बैतुल हराम। इस वजह से स्टूडेंट्स इसको हज रूट कहा गया है। तो इसमें आपको नज़र आएगा कि अरफात जो है वो कहाँ है और इस जगह पर जाके वो खुतबा होता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अभी भी उसको फॉलो करते हैं हम मुस्लिम्स। सो इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा, अक्सर हमें ईद पे जब बड़ी ईद हम मनाते हैं तो उस वक्त हज के जो डेज़ होते हैं उसमें अगर आप मोस्टली टेलीविजन्स ऑन करें तो आपको हेडलाइंस में
इस तरह की न्यूज़ मिलेगी कि जो है वो सेलियंट फीचर्स या कुछ ख़ास पॉइंट्स जो हैं वो क्या थे अरफात के मैदान में जो खुतबा हुआ था। स्टूडेंट्स इस वजह से उस सुन्नत को पूरा करने के लिए आज भी अरफात के मैदान में खुतबा होता है। यहाँ पे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था उसके सेलियंट फीचर्स हमने उस खुतबे के पढ़ लिए हैं। सो ये पिक्चर आपको दिखाने के लिए कि अरफात का मैदान, ये अरफात की पहाड़ी और इसके साथ जो वैली है यूराना वैली, जिसको वादी अरफात भी कहते हैं, यूराना वैली ऑफ अरफात भी कहते हैं। सो व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द लास्ट सर्मन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अटेंशन नीड्स परमिशन। एज यू रिमेंबर, उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना के बाद लोगों को बुलाया कि मुझे सुनो, उनकी अटेंशन चाहिए उनकी इजाज़त से कि आप लोग मुझे गौर से सुनो, ए लोगों मुझे गौर से सुनो। तो विद देयर परमिशन, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उनको जो है वो कहा गया, नहीं, बल्कि उनकी परमिशन से उनको बुलाया गया और उनको ये खुतबा दिया गया। ह्यूमैनिटी जो है वो उसमें एड्रेस हुई है, इंसानियत जिसे कहते हैं, सिर्फ इस्लाम पे स्ट्रेस नहीं है, ओवरऑल ह्यूमैनिटी पे है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, रिटर्न द गुड्स, हार्म नो वन, ऑलवेज रिमेंबर द हेयर आफ्टर, द फॉरबिडेंस ऑफ यूजरी, कैपिटल इक्वालिटी, कैपिटल के बारे में क्या कहा गया है, इक्वालिटी के बारे में क्या कहा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ फेथ आपने किस तरह से करनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स मैन एंड वुमेन क्या है, रिमाइंडर ऑफ फंडामेंटल्स, इस्लाम के फंडामेंटल्स कौन से हैं, रेसिज्म एंड डबल स्टैंडर्ड्स, फ्रेटर्निटी भाईचारा, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रॉफिट, द टू मैनुअल्स एंड देन कम्युनिकेट। ओके, सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। सबसे पहले तो इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने सबको बुलाया और उनकी अटेंशन से, उनके साथ उनकी परमिशन से उनको एड्रेस किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि जब ये स्टार्ट ही हुआ तो दिस इज़ ऑल्सो ह्यूमैनिटी, कि जब उनको बुलाया भी गया तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि मुझे गौर से सुना जाए, यानी कि उनको रिस्पेक्ट दी गई। और दूसरा आपको मिलेगा कि सेकंड पॉइंट के आपने जो है वो जिस तरह से आप इस महीने को और इस दिन को जो है सेक्रेट समझते हैं, इस तरह आपने दूसरे इंसान की ज़िंदगी और उसकी प्रॉपर्टी को भी सेक्रेट समझना है। और फिर डोंट फॉरगेट द आखरत, आपने आखरत को नहीं भूलना, आपने जवाबदेह होना है। आप क्यों अच्छे बन रहे हो? क्योंकि आपने जवाबदेह होना है। फॉरबिडेंस ऑफ यूजरी है उसमें, कि सूद की ममानियत है, इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करती है, किसी भी माशरे में बिगाड़ पैदा करती है। जब भी आप सूद देते हैं, आप सूद लेते हैं, तो क्या होता है कि आपने जो अमाउंट उधार की दी होती है, वो उधार की रकम फिर आप डबल करके लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सूद, यूजरी या इंटरेस्ट। जब इस तरह का कोई सिस्टम किसी माशरे में प्रिवेल होता है, प्रिवेल करता है, तो फिर क्या होता है कि जिसके पास पैसे होते हैं, लोग उसके पास उधार लेने के लिए जाते हैं। जब वो उधार देता है किसी को, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब कोई ज़रूरतमंद होता है तभी वो जाके पैसे मांगता है, और वो खुद ही ज़रूरतमंद है, ऑलरेडी उसके पास पैसे नहीं है, वो जाके किसी और से उधार लेता है एक अमाउंट, फिर उसके बाद उस अमाउंट को डबल करके उसको रिटर्न करना होता है। तो फिर इससे क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जो अमीर है, जिसने उधार दिया है, उसको तो उसकी रकम डबल होके वापस आएगी, वो अमीर तर हो जाएगा, जबकि जिसने उधार लिया है, जो ऑलरेडी ज़रूरतमंद है, उसको डबल करके पैसे रिटर्न करने होते हैं। एक तो उसकी ज़रूरत के टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे, उसने पैसे लिए, अब वो पैसे डबल करके रिटर्न करे, तो वो क्या हो जाता है, गरीब से गरीब तर हो जाता है। तो इससे सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। दैट्स वाई इस्लाम में यूजरी की ममानियत है। एंड देन कैपिटल का कहा गया है कि वो आपका उस पर राइट है, जो आपका सरमाया है, आप किसी बिजनेस में लगाएं, आप किसी को उधार दें या आप रखें,
वो आपका राइट है, उससे कोई आपको जो है वो आपसे ले नहीं सकता, कोई आपको उससे आपसे उसको छीन नहीं सकता. सो दीज आर योर असेट्स, जिसमें आपका घर, ये चीज़ें, ये आपकी अपनी हैं. इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमने पढ़ा कि ना ही आप इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, आपकी वजह से फैले, ना ही इन्फ्लिक्ट करेंगे और ना ही किसी और को अपने ऊपर इसको जो है वो करने देंगे. प्रोटेक्शन ऑफ फेथ. सो स्टूडेंट्स, पिक्चर में आपको नजर आएगा, गॉड प्रोटेक्ट्स अस एज वी टेक दिस जर्नी ऑफ फेथ. जब आप जर्नी ऑफ फेथ पे जाते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे और आपने अपने ईमान की हिफाजत करनी है, क्योंकि सीधे रास्ते पर ही शैतान बैठा होता है और वो सीधे रास्ते पर जाने वालों को रोकता है. वुमेन राइट्स की बात हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स मैन एंड वुमेन. आपकी राइट्स भी, वुमेन की राइट्स भी हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मैन के राइट्स भी हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. रिमाइंडर ऑफ द फंडामेंटल्स. इस्लाम में फंडामेंटल्स जो है वो हर एक एक मैसेज के साथ है, जिसमें सबसे पहले वर्शिप अल्लाह, आपने अल्लाह पे ईमान लेके आना है. जब आप अल्लाह पे ईमान लाते हैं तभी आप ये सोचते हैं कि आप जिस पे ईमान लाए हैं उसको, उसने आपको जान दी है, उसने आपको हर चीज़ दी है, आपने हर चीज़ का फिर हिसाब भी देना है. तो सबसे पहला पिलर जो है वो इस्लाम का सबसे पहला फंडामेंटल क्या है, सो वर्शिप अल्लाह या अल्लाह को एक मानना. द सेकेंड वन इज़ प्रे 5 times, नमाज जो है. फिर अगेन नमाज में भी आपके लिए मैसेज है और उसमें भी आपको मिलेगा कि जब आप बाजमात नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे भी सोसाइटी पे एक पॉजिटिव असर इस तरह से पड़ता है कि जब आप वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं बाजमात, तो आप अपने मुआशरे आसपास के लोगों के मुश्किलात, ज़रूरियात से आगाह होते हैं और सोसाइटी जो है वो एक तरह से कनेक्टेड रहती है एक दूसरे के मसाइल से. और ऐसा नहीं होता कि एक बंदा दूसरे बंदे से, एक हमसाया अपने दूसरे हमसाए की मुश्किलात से आगाह ना हो, क्योंकि इस्लाम में यूनिटी पे बहुत स्ट्रेस है, कोऑपरेशन पे, हार्मनी पे, पीस पे. तो ये तमाम चीज़ें आपको उस वक्त आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपको अपने आसपास के लोगों के मसाइल से आगाही हो, उनके सेहत के मसाइल, उनकी फैमिली के मसाइल, उनके इकोनॉमिकल इश्यूज, ये सब आपको पता हो, तो फिर एक सोसाइटी जो है वो पीस में रह सकती है. एंड देन फास्ट ड्यूरिंग रमज़ान. और इसमें क्या है कि आपको उन गरीबों का एहसास पैदा होता है कि आपके आसपास जो लोग बग़ैर खाए पिए वो किस तरह से जी रहे हैं और कितनी मुश्किलात में हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अदर इज़ ऑल्सो अ मैसेज इन इट, अपार्ट फ्राम बेसिक फंडामेंटल्स. हर एक में फिर मैसेजेस भी हैं. फिर गिव ऑफ योर वेल्थ पुअर ड्यू. आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, पुअर ड्यू देना है. ये भी सोसाइटी को एक तरह से इक्वालिटी लाने के लिए, जो लोग ज़रूरतमंद हैं जब आप उनको पैसे देंगे ओबियसली वो अपनी ज़रूरियात से निकल आएंगे तो फिर क्या होगा, सोसाइटी में क्राइम्स नहीं होंगे, इक्वालिटी आ जाएगी और फिर मोहब्बत पैदा होगी, पीस होगा, हार्मनी होगी. परफॉर्म हज इज़ द 5th फंडामेंटल, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है, इतनी हैसियत दी है, तो फिर आपने अल्लाह के घर का सफ़र करना है. सो दीज आर द फंडामेंटल्स. एंड देन रेसिज्म एंड डबल स्टैंडर्ड की ममानियत है कि ना ही आपने किसी दूसरे रेस के बंदे को कमतर समझना है, ना ही आपके रेस को कोई और कमतर समझे, और कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए. सब जो है वो एक आदम की औलाद हैं, तो इस वजह से उनमें जो है वो कोई फ़र्क नहीं है. फिर फ्रेटर्निटी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है इस्लामी माशरे में, भाईचारा, कि आपने एक दूसरे का इस तरह से ख्याल रखना है जिस तरह से आप अपने भाई का ख्याल रखते हैं. तो फिर आप उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखेंगे, उनको अगर कोई तकलीफ़ पहुँचेगी तो आप भी ये फील करेंगे कि वो तकलीफ़ आपको मिल रही है. सॉरी. सो दिस इज़ फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड.
और अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुंच रही है तो तमाम दूसरे मुसलमान जो है उस तकलीफ़ को महसूस करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। और इसकी एग्जांपल जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी की तरह दी गई है कि अगर पूरी ह्यूमन बॉडी में कहीं एक जगह पे पेन स्टार्ट होता है तो उससे क्या होता है, पूरी ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरी बॉडी कहे कि भाई मेरा काम नहीं है, ये तो हाथ में दर्द हो रहा है, बाकी बॉडी जो है वो उससे खामखा मुतासर हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ में दर्द है तो बाकी बॉडी जो है वो सेपरेट रहे, नहीं, वो सब इसको महसूस करते हैं और उसकी वजह से वो सब जो है वो रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी। अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस्लामी माशरे में कि आपने अपने तमाम डीड्स के बारे में ही सोच रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका हिसाब है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेह हैं आप, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आप कर रहे हैं उन सब का हिसाब आपने देना है। प्रॉफिट मोहम्मद द लास्ट प्रॉफिट, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ताकि आप लोग इस फितने से बच सकें कि अगर कोई फॉल्स प्रॉफिटहुड का दावा करता है तो आपको पता चले कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, उन्होंने अपने अल्फाज में कह दिया। तो हमारा ईमान उस वक्त कामिल होता है जब हम इस बात पे ईमान ले आते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने गाइडेंस के लिए टू मैनुअल्स की बात की, द कुरान एंड द सुन्ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल और कुरान पाक, इसमें जो है वो आपको तमाम मसाइल का हल मिलेगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। तो अगर किसी को किसी चीज़ में मुश्किल होती है तो वो क्या करे, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था लोगों को किसी चीज़ कोई भी सवाल करना होता था मज़हब के बारे में तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो सवाल करते थे और अल्लाह ताला वही के ज़रिए उस सवाल का जवाब देते थे। और उनके बाद अब जब कोई पैगंबर नहीं है तो कोई वही अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट नहीं आएगी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टू मैनुअल्स जो है वो हमें पकड़ा दिए, एक कुरान और एक उनकी एग्जांपल या उनकी सुन्नत कि उन्होंने क्या किया इस तरह के वाक़यात में, तो फिर हम भी उसी तरह ही करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तमाम पैगाम आपने क्या करना है, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाना है। तो इस्लाम में जो है वो कम्युनिकेट करने पर भी बहुत स्ट्रेस है कि जो बात आप सुनते हैं वो आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, लेकिन दयानतदारी के साथ, उसमें ना एडिशन करनी है आप कर सकते हैं ना ही आप उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमने तमाम टेक्स्ट को रिवाइज किया, नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव his last address? The answer is, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave his last address on February 632 AD, that is 9th of Zilhajj of 10th after Hijra. The next question is, where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam give his last address? Good students, you will find the answer. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave his last address in the valley of Mount Arafat, Makkah. Now the third question is, what did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say about the life and property of every Muslim? You remember that paragraph? So the answer is, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that regard the life and property of every Muslim just as you regard the month of Zilhajj and the day of Arafat as sacred trust. Respect them, not only the life but also the property. आप किसी तरह का कोई भी नुकसान आप उनको नहीं पहुंचा सकते, आपने उनको उतना ही मुकद्दस समझना है जिस तरह आप अरफात के दिन को, यौम अरफा को, या फिर ज़िलहज के महीने को समझते हैं, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी।
सो ऑब्वियसली हम उसको बहुत ही मुकद्दस समझते हैं, बहुत ही मुकद्दस महीना है, और यौम अरफा का दिन बहुत मुबारक दिन होता है। जब आप उसकी उसके मुकद्दस का, उसके एहतराम का इतना ख्याल रखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आपने किसी मुसलमान की ज़िंदगी को और उसकी प्रॉपर्टी का भी उतना ही ख्याल रखना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना उसको। दिस इज़ व्हाट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इंटरेस्ट और फिर उसके ड्रॉबैक्स। सो टेकिंग इंटरेस्ट creates inequality in society by making the rich the lender richer and the poor the borrower poorer. क्या होता है कि जो अमीर है वो अमीर तर होगा, क्योंकि उसको उसके पैसे भी वापस मिलेंगे और उसी पैसों की अमाउंट जो है उसके डबल उसको मिल जाएगी, तो वो और अमीर हो जाएगा। और वो जो गरीब है जिसने उधार की रकम ली है, वो उसको डबल करके जब पे करेगा तो फिर क्या होगा, वो गरीब से गरीब तर हो जाएगा और फिर सोसाइटी में जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा वो जो है किस वजह से होगा, सूद की वजह से। इस वजह से इस्लाम में जो है वो सूद मना है, बिकॉज़ दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर दैट इट क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। क्लास सिस्टम आ जाता है सोसाइटी में, तबके आ जाते हैं, अमीर तबका और एक गरीब तबका, फिर उनमें बहुत बड़ा कंट्रास्ट आ जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से फिर सोसाइटी जो है वो शिकार हो जाती है किस चीज़ का, डिक्लाइन का, तबाही का शिकार हो जाती है वो सोसाइटी जिसमें बैलेंस नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द लास्ट एड्रेस। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंटेड अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द मुस्लिम्स एंड यूनिवर्सल मैसेज टू ऑल ह्यूमैनिटी। इसमें भी आप अपनी तरफ से एडिशन कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दी, इस वजह से उन्होंने उस खुतबे में जो है वो हर एक चीज़ को एड्रेस किया और फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है हर एक चीज़ पे, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, फिर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने कुरान और सुन्नत से मदद लेनी है, आपने दूसरे इंसानों के साथ किस तरह से सलूक करना है, आपने दूसरे मुसलमानों को क्या समझना है, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने बता दी तो इट्स समथिंग कि उन्होंने मुसलमानों को बता दिया कि आपने किस तरह से ज़िंदा रहना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं हार्म नो डैश सो दैट नो वन मे हार्म यू। सो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, द फर्स्ट वन इज टू, द सेकेंड वन इज वन, द थर्ड वन इज पर्सन, द फोर्थ वन इज मैन। सो वट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, harm no one so that no one may harm you। The next question जिसमें fill in the blanks है, आपने यहाँ पे word fit करना है, it is true that you have certain rights with regard to your dash। इस dash में क्या आएगा, woman और property और life और duty, what will be the suitable option in this blank? Very good, the option is woman. The third one is an Arab has no superiority over a dash, over a non-Muslim, over a non-Arab, over a mushrik or over a Muslim. The fourth one is Muslim. Okay students, ab an Arab has no superiority over a नॉन अरब, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे रेस की बात हो रही है, तो रेस में जो है वो आप मुशरिक या मुस्लिम या नॉन मुस्लिम नहीं लेके आएंगे, आप रेस में ही बात करेंगे, नॉन अरब आ गया इसका आंसर। द फोर्थ वन इज एवरी मुस्लिम इज अ डैश टू एवरी मुस्लिम, व्हाट विल कम इन दिस ब्लैंक स्टूडेंट्स, ब्रदर और फ्रेंड
or sister or enemy. Every Muslim is a brother to every Muslim. Every Muslim is a friend to every Muslim. Every Muslim is a sister to every Muslim. Or every Muslim is an enemy to every Muslim. What's the answer? Brother. Every Muslim is a brother to every Muslim. The fifth one is, Islam has said certain dash to every Muslim. What will come in this blank? Due or rights or rights or right. So there are four options and one blank. Islam has said certain due to every Muslim. Islam has said certain rights to every Muslim. Islam has said certain rights to every Muslim. Or Islam has said certain right to every Muslim. The answer is rights. Okay students, that's it for today. You did well. Aapko text समझ में भी आ गया, आपने comprehension questions भी कर लिए unit 1 के. That's it for today. Thank you and Allah Hafiz.